हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। वेलकम टू द डेली डिवोशन दिन भर की रोटी। और आप सबका स्वागत है आज की सुबह। और आज 4 मई 2021 के लिए परमेश्वर का जो वायदा मेरे और आपके लिए है वो हमें मिलता है भजन संहिता 37 में और उसके 18 पद को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। भजन संहिता 37 और उसका 18 पद जहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज की सुबह। परमेश्वर मेरे प्रियो मुझसे और आपसे ये वायदा कर रहा है। परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि जो खरे लोग हैं उनकी आयु की मैं सुधि रखता हूँ। हालेलुया। उनकी आयु मैं अच्छी करता हूँ, उनकी आयु मैं लंबी करता हूँ, उनकी आयु की मैं सुधि रखता हूँ और उनका भाग, हालेलुया, उनका पोर्शन, उनका भाग जो है, खरे लोगों का भाग जो है वो सदैव बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? सदैव। हालेलुया। हमेशा जो है उनका जो भाग है वो बना रहेगा। हम जानते हैं खरे लोगों के बारे में। हम आज भी अय्यूब के बारे में परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, हम आज भी नूह के बारे में परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। खरे लोगों का जो भाग है लिखा है वो सदैव बना रहेगा। जो लोग परमेश्वर के साथ खराई से चलते हैं उनका जीवन एक अद्भुत गवाही के रूप में होता है मेरे प्रियो, हालेलुया। और उनका भाग परमेश्वर कहता है कि वो सदैव बना रहेगा। क्या आप चाहते हैं मेरे प्रियो, क्या आप चाहते हैं मेरे भाई मेरी बहन कि ये परमेश्वर का सामर्थी सुंदर वायदा हमारे जीवन में पूरा हो कि हमारा भाग सदैव बना रहे, हमारा जीवन एक गवाही के रूप में आने वाले लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हो, आज के समय में हमारा जीवन एक गवाही के रूप में हो। हालेलुया। परमेश्वर हमारी आयु की सुधि रखने वाला परमेश्वर, ये वायदे हमारे जीवन में कैसे पूरे होंगे उसके लिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ तौर से बता रहा है। परमेश्वर हमसे उम्मीद कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कुछ चाह रहा है, वो क्या है? लिखा है यहोवा खरे लोगों की आयु की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा। हमें खरा बनने की जरूरत है। हालेलुया। हमें मिलावटी नहीं बनना मेरे प्रियो, मिलावट वाला प्रोडक्ट जो है वो हमको नहीं बनना है, हमको खरा प्रोडक्ट बनना है। आमीन। हालेलुया। हमको खरा व्यक्ति बनना है। हालेलुया। हमको शुद्ध व्यक्ति बनना है। हालेलुया। हमें पवित्र व्यक्ति बनना है। हालेलुया। हमें खरा व्यक्ति बनना है। मिलावट हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम शरीर के भी काम कर रहे हैं, संसार के भी काम कर रहे हैं और आत्मिक काम भी हम कर रहे हैं। ऐसा मिलावट वाला जीवन हमारा नहीं होना चाहिए, ऐसा नकली विश्वासी वाला जीवन हमारा नहीं होना चाहिए। हमारी लाइफ खरी लाइफ होनी चाहिए। हालेलुया। हमारी लाइफ जो है वो ब्लेमलेस होनी चाहिए। हालेलुया। कोई हमारे बारे में कुछ गलत ना बोलने पाए, कोई हमारे ऊपर कोई दोष ना लगाने पाए। हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारी दिनचर्या, हमारा उठना बैठना सब एक गवाही के रूप में होना चाहिए। हालेलुया। खरा जीवन हमारा होना चाहिए। जब हमारा खरा जीवन होगा तो यह वायदा हमारे जीवन में पूरा होगा जो परमेश्वर कहता है कि यहोवा खरे लोगों की सुधि रखता है और उनका भाग सदैव बना रहेगा, उनकी गवाही सदैव मेरी महिमा करती रहेगी। आमीन। परमेश्वर आप सबको इस मनन के द्वारा आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, वो यही है कि एक खरे व्यक्ति की आयु की जो है परमेश्वर सुधि रखता है और उसका सदैव भाग बना रहता है, गवाही उसकी सदैव बनी रहती है, तो किस प्रकार एक विश्वासी, मैं और आप, खरे व्यक्ति बन सकते हैं, खरे विश्वासी बन सकते हैं। हालेलुया। खरा व्यक्ति होने का क्या अर्थ है वो आप कमेंट कर YouTube पर ही इस वीडियो के नीचे आप जरूर अपने आंसर को दें और एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करें और स्पिरिट में स्ट्रांग हो जाएं। दिन भर की रोटी खाकर
दिन भर आप एक जयवंत जीवन को बिताएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। हैव अ सुपर ब्लेस्ड डे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।